नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इंग्लिश टाइपिंग कोर्सेज चलाता हूँ और हिंदी टाइपिंग कोर्सेज चलाता हूँ। बिल्कुल फ्री में टाइपिंग सिखाता हूँ। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं या टाइपिंग से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, टाइपिंग से जुड़ी जो नई भर्तियाँ निकलती हैं उनकी जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, JNU का जो CBT होने वाला है, अब उसके बहुत कम दिन शेष रह गए, तो अब टाइपिंग का क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बना रखा है, जिसकी जितना मैं समझता हूँ अभी, जिसकी 30 के आसपास की स्पीड है, उसको तो फिलहाल अभी टाइपिंग छोड़ ही देनी चाहिए और अपना वो CBT की तैयारी करें, टेस्ट की तैयारी करें, रिटन टेस्ट की भी तैयारी करें, क्योंकि आपका टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टाइपिंग ज़रूरी है, लेकिन आपके रिटन से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है टाइपिंग, ठीक है। इसलिए टाइपिंग, जब आप रिटर्न पे निकलेंगे तब आप टाइपिंग तक पहुंचेंगे। इसलिए अच्छे से अपनी रिटर्न की तैयारी करें, CBT की, जो आपका CBT होने वाला है उसकी तैयारी करें। और जो नए टाइपिस्ट, जो नई टाइपिंग सीख रहे हैं, जो अभी शुरुआत हैं जिनकी, वो टाइपिंग सीख रहे हैं, उनको भी कह देना चाहता हूँ मैं, आप बहुत कम दिन बचे हैं, ये मत सोचिए कि इतने कम दिनों में आप बहुत ज़्यादा कुछ कर लोगे। फिलहाल आप टाइपिंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइपिंग माइंड भी डाइवर्ट करती है आपका, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा फोकस अपना CBT के लिए लगाइए और टाइपिंग को फिलहाल छोड़ दीजिए। जैसे ही आपका CBT कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर से टाइपिंग शुरू कर देना, उसके बाद आप एक अच्छे तरीके से टाइपिंग भी कर पाएंगे। और कई लोगों के मन में डाउट है टाइपिंग से जुड़े हुए, अलग अलग प्रकार के डाउट हैं, क्या रूल्स हैं इसके, क्या है? ये सब वीडियो में बाद में बना दूंगा आपके लिए। जब भी आपका ये CBT होगा तो उसके बाद टाइपिंग के वीडियो में बनाऊँगा, जो आपका JNU का जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी। फिलहाल अगर आप टाइपिंग करते भी हैं तो किसी भी ऐप में सिर्फ 10 मिनट की टाइमिंग लगा के एक आध सेट लगा लेना, बहुत ज़्यादा आपको टाइपिंग के लिए ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल आप टाइपिंग ना करें, अपना CBT की तैयारी करें। जैसे ही CBT आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देना। फिलहाल दोस्तों, यही कहने के लिए मैंने आपको इस वीडियो को बनाया था। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।